नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंदे। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, अर्धांग वायु के लिए एक्सरसाइज। ये रोगी है और इनको पैरालिसिस हुआ था, ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो इन्हें इनकी आवाज़ और चलना फिरना वो सब बंद हो गया था। तो अपने पास आने के बाद इन्हें 2-3 दिन के बाद बहुत ही अच्छा आराम हो गया। तो मैंने इसे क्या क्या ट्रीटमेंट दी, आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो देख के आप कर सकते हैं और घर के घर पर भी अपना पेशेंट बहुत ही अच्छा तरह से ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो आप आगे तक जरूर शेयर करें कि आपके वजह से किसी पैरालिसिस पेशेंट का अच्छा हो जाए। नंबर 1 एक्सरसाइज है, आप ध्यान से देखिए और आप अपने रोगियों को मैंने जैसा बोला वैसा आप घर पर ही करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो रोगी के पैर है, अभी ये तो बहुत अच्छी तरह से ठीक हुए हुए, इन्हें पैरालिसिस हुआ था, अभी ये चल फिर सकते हैं। ये रोगी लास्ट में आपको इनका अनुभव शेयर करेंगे, आप जरूर सुनिएगा। ये देखो, ये पैर है रोगी के, समझो ये पैरालिसिस है आपके किसी आदमी को। ये जो पैर है इनके, ये जो थम्स है पैर के, इसे ऐसा 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये रोगी के पैरालिसिस की ये नंबर 1 एक्सरसाइज अपन ने की, सब उंगलियों को 3 टाइम नीचे की तरफ फोड़ किया। अभी दोनों पैर ऐसे पकड़ के इसे थोड़ा सा ऐसा ये खिंचाव महसूस होना चाहिए, ऐसा देखो, ऐसा धीरे से इसे ऐसा थोड़ा सा 6 सेकंड तक इसे प्रेस करके रखना चाहिए। ओके, और दोबारा, और 2, 3, ये हो गया 3 टाइम। अभी ये हो गया नंबर 2 की एक्सरसाइज। अभी नंबर 3 की एक्सरसाइज बताऊंगा आपको कि ये जो पैर है इसे ऐसा पकड़ना, इसे ऐसा पीछे की तरह ढकल देना, ऐसा इसे 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ओके, ये हो गया नंबर 3 एक्सरसाइज पैरालिसिस रोगी के लिए। उनके जो पैर है, पैर से यहां से पैनक्रियाज एक्टिवेट कर सकते हैं, न्यूरोथेरेपी टेक्निक एक्सरसाइज है ये। इससे थोड़ा उंगलियों से ऐसा थोड़ा सा हल्के हाथों से थोड़ी ऐसी सब उंगलियों को ऐसा थोड़ा पैनक्रियाज एक्टिवेट कर देना। यहां से मैं एकदम धीरे से घुमा रहा हूं, इनका मुंह देखो, मैं एकदम धीरे हल्के हाथों से कर रहा हूं, तो भी इन्हें दर्द हो रहा है। ये हो गया नंबर 4 एक्सरसाइज। चलो 5 नंबर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रोगी का पैर थोड़ा ऐसा फोड़ करना, धीरे से फोड़ करने के बाद अपना हाथ रोगी के ये पोजीशन में रखना, झुमकर अपना हाथ रोगी के ये साइड में ही रखना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसे। 1 उंगली फिर से, मैंने उंगली थोड़ी सी उठाई और वहां पे दबाई, 2, 3 फिर से, 1, 2, 3। ओके, अभी ये पैर की भी नंबर 6 एक्सरसाइज, लेफ्ट पैर की 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये हो गया अपना हाथ रोगी के यहां पे रखना और एक हाथ अंगूठे पर भी रख सकते हैं, ऐसा ही पकड़ सकते हैं इसे।
ऐसा करने के बाद देखो नंबर 7 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसे 1 फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया 10 टाइम एक्सरसाइज। और इस पैर का भी ये साइड में पैरालिसिस है, दोनों को साथ में ही ट्रीटमेंट देना, क्योंकि पैरालिसिस में बहुत सारे बार क्या दिखा जाता है कि ये साइड में पैरालिसिस होने के बाद पैरालिसिस वाला रोगी ये पैर पे ज्यादा वेट देने से इसे ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप नंबर 8 एक्सरसाइज ऐसा सेम 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके ये हो गया 10 टाइम। नंबर 9 एक्सरसाइज अभी देखो ये इसमें चेंजेस ऐसे है, पहले मैंने ये पैर ऐसा ऐसा किया, अभी ये पैर ऐसा ऐसा जाएगा ओके। इसे भी 10 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले इसका अपने ऐसा आया, पहले ऐसा गया, अभी कैसा करूंगा मैं इसे रिटर्न लूंगा फिर से ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया कमर के नीचे की 10 एक्सरसाइज। अभी नंबर 11 एक्सरसाइज ये पैर यहां रखना और धीरे से इसे ऊपर की ओर खींचना और हल्के हाथों से यहाँ पे थोड़ा ऐसा प्रेस देना और ये इससे थोड़ा ये हाथ से नी को थोड़ा सपोर्ट देना। इसे 1 2 3 4 और इसे भी 1 2 3 4 5 नंबर 11 एक्सरसाइज ये दोनों के रोगी के पैर थोड़े ऐसे पीछे की तरह लेना और ये जो बोन है यहाँ पे ये बोन से यहाँ पे थोड़ा ऐसा काउंट करना और ये जो पॉइंट से वहां पे ये हाथ से थोड़ा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे 10 टाइम पीछे की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साथ में अगर बीपी की तकलीफ है रोगी को तो साथ में ये न्यूरोथेरेपी सीएनएस पॉइंट जरूर देना चाहिए। मैंने पाउडर लगाया है थोड़ा ट्रीटमेंट का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 अब ये 30 हो गए तो ये डबल काउंट करने के 60 हो गया। अभी इधर से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 फिर से इधर से 30 बार फिर से इधर से 30 बार फिर से इधर से एक मिनट रुक के फिर से इधर से 30 बार फिर से इधर से 30 बार इधर से 3 बार हो गया फिर अभी से इधर से 3 बार हुआ। इससे क्या होगा पूरे बॉडी में बॉडी और ब्रेन में खून का बहना अच्छी तरह से शुरू होगा, ब्लड सर्कुलेशन ऑल बॉडी में अच्छा होगा और बीपी बीपी को कम करने में ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्प करते हैं। बात अच्छी होने में थोड़ी मदद हो जाएगी, पेशेंट के ब्रेन सरदर्द
गर्दन दर्द की लेडी से बहुत सारा आराम हो सकता है। तो ये मैंने जो सब एक्सरसाइज आपको बताई, ये आप घर पर ही अपने पैरालिसिस रोगी को ही देना सिर्फ, और अपने आसपास के किसी पैरालिसिस रोगी को शेयर जरूर करेगा। मैंने आपको बता दिया एडवांस कुछ एक्सरसाइज थे, मैं सब पेशेंट को यूज करता हूँ, तो मैंने आप सबको जो दिखाने वाले पॉइंट्स है वो आप सबको दिखा दिए। अब ये रोगी ने पैरालिसिस हुआ था और बात भी चली गई थी, उन्हें बात नहीं कर पा रहे थे, 2-3 दिन से इनको ऐसा हुआ था, ठंडी के काम करते समय कुछ तो भी ऐसा हुआ था, बीपी थोड़ी बढ़ने की वजह से इन्हें पैरालिसिस हुआ था। तो अब ये खुद उनका एक्सपीरियंस आपको सबको बताएंगे, कैसा लग रहा है आपका काम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आप ऐसी बात कर सकते थे क्या? नहीं नहीं, पूरी बात में कुछ नहीं, चलना फिरना नहीं जम रहा था, पूरा हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते, हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। पहले आए थे तब तो कैसे थे, कुछ चलने फिरने के लायक थे या नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी चलने फिरने के लायक नहीं थे। आपने आपको कितने दिन से अभी फायदा हो गया था चलने फिरने में? पहले दिन से आवाज आपको कैसी हो गई थी? पहले दिन से ही कुछ आराम हो गया था? पहले दिन से जो फर्क चालू हो गया। हाँ, पहले दिन से बात करना शुरू हो गई थी, थोड़ी 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 थोड़ी। पहले आ गए तो आपको बात नहीं जम रही थी, चलना फिरना नहीं जम रहा था, कुछ भी नहीं। तो जाने के बाद आप अकेले चल कर गए थे या किसी ने चल पकड़ के लेके गए थे आपको? बेटा लेके आया था। हाँ, बेटा लेके आया था। तो जाते वक्त कैसे गए थे आप? अकेले चल के गए, चल के गए आराम से। इनका 10 दिन ट्रीटमेंट हो गया, अभी ये कैसा लग रहा है? अभी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले से रिकवर हो गया, मैं यहाँ पे चला आया, पहले से रिकवर हो गया, अच्छी बात है। एकदम बेस्ट लग रहा है मुझे, क्या करते पुलता मावरी बदनापुर, क्या करते तुम, बहुत बढ़िया है। आपका हमारा एड्रेस किसने दिया आपको? वाघमारी। अच्छा, बहुत गुण है उनका, बहुत सही सेट देते हो। अच्छा, हाँ एकदम बेस्ट है, एकदम बोलेंगे पहले सर के सेम हो गए तो मैं बहुत खुश हो गया, पहले सर के सेम हो गए, खुश हो गए, सेम हो गया, मैं खुश हो गया। चलो भाई सिंधु साहब ने अपन को बजाया तो उर्दू जी की, तो बराबर बराबर क्या करते हैं अभी, तो कुछ प्रत्यक्ष होगा, अच्छा लगेगा तब चलेगा।